स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल S2T में। आज के शो साइंस थर्सडे में हम बात करेंगे टेस्ला पावर वॉल के बारे में। तो आइए जानते हैं। तो टेस्ला पावर वॉल का के बारे में जानने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि आइडिया क्या था। आइडिया ये था कि एक छोटे स्केल पे पावर बैंक बनाया जाए जो कि एक घर को संभाल सके, पूरे घर का लोड, मतलब समझिए कि उसमें फ्रिज व्रिज वॉशिंग मशीन ये सब भी संभाल सके, मतलब एक बैटरी बैंक जो घर को संभाल सके। तो इसका आइडिया ये था कि ठीक है आप बनाएगा तो बना सकते हो, लेकिन फ़ायदा क्या होगा, इससे पैसा बचेगा, वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि वो कैसा करना चाहते थे। और फिर ये बनाना चाह रहे थे कि स्मार्ट ग्रिड का इंटीग्रेशन हो जाएगा इसके चलते। स्मार्ट ग्रिड पे आप मेरा वीडियो यहाँ देख सकते हैं। और स्मार्ट ग्रिड का ये बेसिकली ये मतलब होता है कि आप अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं ग्रिड को, ताकि आप ना ओवर प्रोड्यूस करें ना अंडर प्रोड्यूस करें, और हर चीज़ को बैलेंस में मोस्ट ऑप्टिमम कंडीशन में रख पाएँ। तो और इससे ये फ़ायदा होता कि अगर स्मार्ट ग्रिड हो जाता तो रिन्यूएबल एनर्जीज़ को यूज़ करना ज़्यादा आसान हो जाता। नहीं तो अभी करेंटली नेशनल ग्रिड्स बहुत बड़े बड़े विंड फार्म को नहीं जोड़ देते, बहुत बड़े बड़े सोलर फार्म को नहीं जोड़ देते, क्योंकि एनर्जी इनपुट आउटपुट अनबैलेंस हो जाएगा तो ग्रिड डैमेज हो सकता है। तो इस कारण से रिन्यूएबल एनर्जी को थोड़ा सा एक किक देने के लिए इस तरह का पावर बैंक स्टोरेज काफ़ी फ़ायदेमंद होता। और इसका टारगेट था एक सबअर्बन होम, मतलब जैसे आपका और हमारा घर, बड़ा बड़ा अपार्टमेंट बिल्डिंग की बात नहीं हो रही है, छोटा छोटा घर है जहाँ दो तीन मतलब एक फैमिली रह रही है, दो तीन बेडरूम का है, मतलब बहुत बड़ा के बारे में बात नहीं हो रहा है, छोटा छोटा सबअर्बन होम्स के बारे में टारगेट किया गया था। तो आइडिया ये था। तो ये आइडिया को किया कैसे जाता है, आप बस ये समझिए ये कुछ नहीं है, ये बस इन्वर्टर है। जैसे ल्यूमिनस का आप इन्वर्टर लेते हैं, माइक्रोटेक का इन्वर्टर लेते हैं, या एक्साइड का इन्वर्टर अगर आ रहा है तो वो लेते हैं, तो बस ये वही है, बस वो स्मार्ट है। तो जैसे मेरे पास ये है ल्यूमिनस का इन्वर्टर, इसमें मतलब स्मार्टनेस तो कुछ है नहीं, तो मतलब ये टाइम बेसिस पे कुछ नहीं करता, ऐप से कनेक्टेड नहीं है, ये तो छोड़िए वोल्टेज मीटर भी नहीं दिखाता कि मतलब कितना मेरा परसेंट बैटरी बचा हुआ है। तो इन्वर्टर को लिया उन्होंने और उसको स्मार्ट कर दिया, ठीक है, मतलब उसमें एडवांस कंप्यूटर डाल दिए, मैनेजमेंट सिस्टम डाल दिए, मतलब अच्छा से इम्प्रूवमेंट किया गया। और फिर बैटरी जो होता था, लेड एसिड की जो बैटरी आती थी, जैसे इसमें 150 एम का है, मैंने 220 एम का लिया, उन्होंने लेड एसिड बैटरी को हटा दिया और उसके जगह पे लिथियम आयन बैटरी इस्तेमाल करने लगे। जैसे आपको पता ही है टेस्ला कार में लिथियम आयन बैटरी लगता है, तो वही बैटरी से ये इन्वर्टर बनाने लगे। तो इस बैटरी का फ़ायदा ये होता कि बैटरी छोटी हो जाती, मतलब कितना जगह चाहिए आपको उस बैटरी को रखने के लिए वो छोटा हो जाता है। दूसरा, ये बैटरी लंबा चलता है, मतलब ये अगर 1000 साइकिल हैंडल कर सकता है, मतलब 1000 बार ऑन ऑफ हैंडल कर सकता है, मतलब चार्ज करना डिस्चार्ज करना, चार्ज करना डिस्चार्ज करना, तो लिथियम आयन 3000 बार तक बर्दाश्त कर सकता है, लगभग 3 गुना ज़्यादा पावर भी देता है। तो ये सब का मिला के इन्होंने एक हिसाब बनाया कि ठीक है सबको एक पैकेज में कर देते हैं। कुछ अच्छा हो चाहे नहीं हो, इन्होंने ये एक बहुत अच्छा काम किया कि इसको बहुत बढ़िया पैकेजिंग किया, 100 out of 100 पैकेजिंग किया इन्होंने। एक ही डब्बे के अंदर सब चीज़ है, बैटरी भी है, इन्वर्टर भी है, कूलिंग सिस्टम भी है, वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम भी है, ऐप कॉन्फ़िगरेशन भी बिल्ट है, मतलब जितना चीज़ इनको चाहिए था वो सिर्फ उसमें है। आपको बस ला के एक सर्किट ब्रेकर लगाना होता है जो लॉ के द्वारा रिक्वायर्ड है, और आपको दीवार में उसको बस लटकाने के लिए अच्छा से नट बोल्ट लगाना, जैसे गीजर होता है, भारी चीज़ है, मतलब 25 से 50 किलो तक का आता है, तो गीजर जितना भारी ही है, लेकिन समझ सकते हैं मतलब पैकेजिंग के मामले में कैसे लिया और पैकेजिंग करके आपको बेचा जा रहा है, बिंदास काम किया। यहाँ पे मैं दाग देता हूँ इनकी, तो सब चीज़ तो इतना बढ़िया है, इलॉन बेच रहे हैं तो ये बिका क्यों नहीं, ऐसा हो क्यों नहीं रहा कि मतलब हर कोई देख रहा है, हर कोई खरीद रहा है इसको। हुआ ये कि हकीकत सामने आया, जो मैंने आपको बताया था कि पैसा बचाएगा, वो इस बात पे था कि अगर रात का बिजली सस्ता है और दिन का बिजली महंगा है, तो बैटरी आप रात में चार्ज करेंगे और दिन में महंगा बिजली खरीदने की जगह पर आप इसी को इस्तेमाल करेंगे। तो ये सब तिकड़म सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपको तो पता ही होगा कि ये टैरिफ वाला जो सिस्टम है ये सिर्फ इंडस्ट्री के लिए लगाया जाता है, हर जगह नहीं है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में नहीं है ये, मतलब ऐसा भी नहीं कि अमेरिका में हर जगह यही सिस्टम है कि रात का बिजली सस्ता है और दिन का, बहुत जगह पर नहीं है, और जहाँ पर बहुत महंगा बिजली है वहाँ पर आप ये नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि लोग बोलेगा कि यार मेरा तो बिजली का बिल इतना आ ही रहा है, और आएगा ही क्योंकि रात को तुम बिजली चार्ज कर रहे हो, हाँ बस टैरिफ कम हो जा रहा है, तो मैं $5,000 का जो ये सामान खरीदूँ या $5,000 से मैं अपना बिल भरूँ, और बिल मैं कई साल तक का भर सकता हूँ, एटलीस्ट 3-4 साल तक का मैं बिल भर सकता हूँ उस 5,000 से सीधे सीधे, या सीधे सीधे उसको बैंक में रखते मेरा पैसा बढ़ता जाएगा। तो इस कारण से वो
हकीकत में उतना अच्छा से बिका नहीं जितना ये लोग सोच रहे थे। दूसरा, इसका दाम जो था, इन्होंने शुरू वाले में तो जो पावर वॉल वन था वो उसमें तो ऐसा था कि इन्होंने इन्वर्टर अंदर नहीं डाला था, सिर्फ बैटरी बैंक था, तो इन्वर्टर अलग से खरीदो। अभी वाले में जो मैं आपको चौखट वाला दिखा रहा हूँ उसमें इन्होंने कर दिया कि भैया नहीं, सब चीज़ अंदर कर दो। तो पहले वाले में तो ये था कि 3,500 दे दिया, सब लोग कूद गया, और जब इंस्टॉल करने का बात आया, अच्छा सर इन्वर्टर का दाम आएगा $1,000, इंस्टॉलेशन का दाम आएगा $500, फिर वायरिंग वायरिंग का दाम आ जाएगा, ऐसे 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 करते 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 इतना दाम आने लगा कि सुनने में तो बहुत अच्छा लगा, लिंक खरीदे तिगड़म लगते हैं। जैसे नैनो के साथ जो अन्याय हुआ कि भैया एक लकटकिया बनाने वाले थे और बना के आ जाता लकटकिया, लेकिन पॉलिटिक्स घुस गया, तो हुआ ये कि लकटकिया आपके पास 1,30,000 में आने लगी। तो ऐसा इनके साथ भी हुआ कि $5,000 का ये जो पावरवॉल 2 बनाए, ऐसा नहीं कि $5,000 आपने दिया काम खत्म, 5,000 दीजिए वो आएंगे लगाएंगे इंस्टॉल करेंगे, जितना भी तिकड़म है सब किया जाएगा, बहुत महंगा हो जाता है। दूसरा कि कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, वो बहुत छोटा जगह है। जैसे कि इसका सबसे बढ़िया इस्तेमाल होगा कि अगर आप सोलर पावर से अपना घर चला रहे हैं, तो सोलर पावर पे तो आप मेरा पूरा वीडियो यहाँ देख ही सकते हैं। तो प्रॉब्लम यह कि इस तरह के सोलर फार्म उतने सक्सेसफुल नहीं है। आपका छत पर लगा देने से ठीक है, हमारे लिए इंडियंस के लिए तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ इसलिए अच्छा है कि बिजली बहुत भागती है, इसलिए अच्छा नहीं कि ये अच्छा आइडिया है। ये आइडिया मतलब जो लोग अपने घर में करते हैं वो बस करने के लिए करते हैं, इसका कोई खास फाइनेंशियल फ़ायदा नहीं होता है। 10 से 20 साल बाद इनका पैसा रिकवर होता है, और मतलब अगर उतना पैसा बैंक में रख देते तो बढ़ता ही रहता, तो इस कारण से ये सब उतना सक्सेसफुल रहा नहीं। तो एक तो पहले ही वही नंबर कम हो गया जो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर इसका इस्तेमाल करके काफ़ी जगह पर ये तिकड़म लगाया जाता है, ठीक है हम अपना सोलर से बिजली को बनाएंगे, उसको बेच देंगे दिन में, अगर मेरा ज़्यादा पैदा हो रहा है बेच देंगे, अगर नहीं पैदा हो रहा, कम पैदा हो रहा, यानी रात हो गया या बारिश हो गया या कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो हम ग्रिड से बिजली खरीद देंगे, और जब मेरा ओवर होगा तो हम बेच देंगे। तो ऐसे करके इस तरह का सिस्टम का पैसा आराम से निकाला जा सकता है करीब करीब 5 से 10 साल में। तो अगर आप बैटरी बैंक लगा देते हैं, ठीक है आपका तो ये टेंशन नहीं है कि रात में आपको खरीदना पड़ रहा है बिजली, लेकिन आपने बैटरी बैंक का दाम डाल दिया, ये सब 25 साल तक चल सकता है, अगर अच्छा क्वालिटी का अच्छा से मेंटेन्ड है तो 25 साल तक आराम से। और मेंटेनेंस का ऐसा मतलब नहीं कुछ खोलना वोलना है, बस इसको साफ करते रहना है। तो 25 साल का चीज को आप 10 साल का बैटरी में लगा रहे हैं, हाँ वो इन्वर्टर हमारे इन्वर्टर से तो बहुत लंबा चलेगा, और उस इन्वर्टर में लेकिन आप ये मत समझिए कि इंडिया में आप खरीद लिए इन्वर्टर की तरह इस्तेमाल करेंगे, उसमें ये फीचर नहीं है कि जब पावर कट हो जाएगा तो वो बिजली देने लगेगा, वो सेफ्टी के लिए, क्योंकि वो ग्रिड टाइन है, यानी कि ग्रिड में बिजली दे देगा। तो अगर मान लीजिए कोई बिजली का मिस्त्री काम कर रहा है उस दरमियान वो तार हटाने की कोशिश के धड़ाक से उसको झटका लग जाए, क्योंकि आपका इन्वर्टर उसमें भी बिजली डाल देगा, तो सेफ्टी के लिए उसको अभी नहीं चालू किया है। हमारा इन्वर्टर अलग तरीके से बनाया जाता है, तो अगर किया जा सकता है, संभव नहीं है, उनके लिए सिर्फ सॉफ्टवेयर चेंज होगा जिसमें स्विचिंग एल्गोरिथम चेंज कर देंगे, तो समझ सकती है हम और आप तो मतलब बहुत फ़ायदा हो जाता है कि भाई चलो खरीद कर रख दिया। और इन्होंने एक चीज़ अच्छा किया जो मुझे बहुत पसंद आया कि बैटरी बैंक का इन्होंने जो रेट वारंटी दिया है ये उसके कैपेसिटी पे है, यानी कि अगर जब लिख के आपको दिया गया है कि भैया हम आपको 13 किलोवाट का बैटरी देंगे, तो ये बोल रहे हैं कि 10 साल के बाद भी 10 किलोवाट का कैपेसिटी होना चाहिए। अगर नहीं है, मान लीजिए वो कैपेसिटी आपका घट गया, आपका 5 किलोवाट का ही चार्ज हैंडल कर पा रहा है, तो वो आके नया दे देंगे। तो ये अच्छा लगा, ये आप जो लोग आप लोग इन्वर्टर रखते हैं इनको तो पता ही है कि भैया बैटरी पे बैटरी मतलब इन्वर्टर आपका कई साल चल सकता है, मेरे कई सारे इन्वर्टर हैं जो 6, 10, 12 साल तक चल जाते हैं, लेकिन बैटरी देखो जब देखो तब उनका बदलता है, मतलब हर 3 साल में बैटरी बदलना पड़ रहा है, तो ये उन्होंने अच्छा किया। लेकिन आप समझ सकते हैं मतलब जितना आप डिटेल में देखेंगे आपको लगेगा यार तो बस ज़रूरत से ज़्यादा ही महंगा, और बहुत बहुत नीच जगह पर काम करेगा। तो अल्टरनेटिव भी आ गए मार्केट में, जैसे कि अभी पता ही होगा कि आप लोग को मार्केट में ईबे में आप देखिए तो आपको बहुत सारे 18-16-50 मार्केट में आ जाते हैं। तो 18-16-50 ही इस्तेमाल हो रहा था पावर वॉल वन में, पावर वॉल टू में जब बात आई तो उन्होंने 18-16-50 को बड़ा वाला इस्तेमाल किया, जो कि LG सैमसंग और टेस्ला मिलके बना रहे हैं, ये एक नया स्टैंडर्ड है। ये सब स्टैंडर्ड आपको पावर बैंक आपका USB चार्जर आपका लैपटॉप बैटरी ड्रिल बैटरी ये सब में यही इस्तेमाल होता है। तो आने वाले टाइम में इसका एक बड़ा भाई आ रहा है, तो अब बड़ा भाई आ रहा है तो उसके चलते ये सब आपको खूब मार्केट में मिलने लग जाए, ईवे पे आपको मिल सकता है, इंडिया में उतना आसानी से नहीं मिलता लेकिन मिल सकता है, थोड़ा सा मेहनत कीजिए तो मिल जाएगा। तो ये सब लोग लेके खुद से बना ले रहे हैं अपना इन्वर्टर जैसा सिस्टम और बिंदास चल रहे हैं, और इनका दाम $5,000 नहीं $500 में आ रहा है, कुछ कुछ तो 3-4 मतलब जो $1,000-2,000 तक बात कर रहे हैं वो तो मतलब हमें ये टेस्ला पावरवॉल से 4 गुना ज़्यादा पावर तक का ले ले रहे हैं। कुछ लोग उतने दाम में सोलर पैनल भी लगा ले रहे हैं बैटरी भी लगा ले रहे हैं, क्योंकि आप कोई भी सामान खरीदते तो ऐसा नहीं कि सिर्फ सामान का दाम दे रहे हैं, आप उस पर जो मेहनत लगा है उसका भी दाम दे रहे हैं, तो वो मेहनत को आप खुद ही कर लीजिए तो दाम बहुत घट जाता है। इस कारण से
ये समझिए कि चीप DIY चलने लगा मार्केट में। दूसरा, ऐसा नहीं था कि जैसे ही टेस्ला आया तो सिर्फ टेस्ला इकलौता था जो पावर वॉल बना रहा था, काफ़ी कंपनी और कूद गई। जैसे कि अगर कार कंपनी की बात करें तो मर्सिडीज़ खुद ही कूद गया, मर्सिडीज़ ने अपना ही बैटरी स्टोरेज बना ली। अब बताइए, अगर आप अमीर आदमी हैं अपने घर में आप क्या लगाना चाहेंगे, मर्सिडीज़ या टेस्ला? तो आप सोच लीजिए। टेस्ला भी ऐसे बहुत अमीर है, लेकिन टेस्ला में वो फील नहीं है अभी। और कई सारे और कंपनी ने भी बनाना स्टार्ट कर दिया, तो ऐसा नहीं था कि ये इनका आइडिया था, क्योंकि बोल रहा हूँ ये है इन्वर्टर ही, बस इन्होंने सब पैकेजिंग अच्छा किया। तो अल्टरनेटिव आने के चलते इनका मार्केट ऐसा नहीं रहेगा कि सिर्फ एक ही कंपनी है। तो हम लोग भविष्य में क्या उम्मीद कर सकते हैं? सबसे पहला, इसका दाम कम होना पड़ेगा भाई। 25-30 लाख का चीज़ नहीं सही बनता है। वैसे ये इन्वर्टर के लिए 25-30 लाख मतलब उतना दाम मेरे बैंक बोल रहा हूँ मतलब मेरे पापा जहाँ काम करते थे उस बैंक में जो ऑनलाइन UPS है, और ये ऑनलाइन UPS नहीं है, तो ऑनलाइन UPS का दाम ये लोग बता रहे हैं, तो मतलब समझिए कि उतना सही नहीं है। मतलब आप भले आपका बैटरी हर कुछ साल में बदलना पड़ रहा है, तब भी आपका सस्ता पड़ रहा है, तो दाम घटाना पड़ेगा। सबसे पहला तिकड़म वही है, पैकेजिंग ठीक है आपको एक दीवार में लटका दिए छोड़ दिए, लेकिन नहीं, आपको कुछ और भी चाहिए। तो पैकेजिंग के मामले में सबसे पहले इनको दाम घटाना पड़ेगा। फिर उसके बाद अभी इन्होंने जो लाइफ दिया है वो सोलर के हिसाब से तो आप देखिएगा तो बुरा नहीं है, 10 साल चलेगा। मतलब जबकि जो लोग सोलर चलाते हैं वो तो बैटरी हर कहिए तीन से पाँच साल में बदलते हैं, क्योंकि ऐसी नहीं कि लेड एसिड बैटरी नहीं आती जो 25 साल चलेगी। आती है, एक्साइड की आती है, लेकिन वो सेलुलर बैटरी होती है, मतलब एक सेल आपको दिया जाएगा। जैसे अगर आप अभी खरीदते हैं तो 12 सेल लगा के आपको एक पैकेज में दिया जाता है, मतलब पूरा उसमें 12 ठो रहता है। वो सिंगल सेल लीजिए जो मोबाइल टावर का बैकअप में इस्तेमाल होता है, या मतलब आप इधर देखिए बड़े बड़े पावर प्लांट में बैटरी बैकअप रहता है, वो सेल वाला, उसमें आती है 25 साल की वारंटी। लेकिन दाम देखिए, आप पूछिए किसी दुकानदार से कितना दाम है उसका। तो दाम घटाना है, उम्र बढ़ाना है, क्योंकि 10 साल तो ठीक है, लेकिन अगर सोलर के कंपेयर में बात करें तो एटलीस्ट सोलर जितना तो दो, 25 तो दो। तो इसका इस्तेमाल करने के लिए हम लोग अभी जो बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं वो लिथियम आयन है, ये दूसरी टाइप की बैटरी है। मतलब इसको ज़रूरी नहीं कि इसी साइज में मिले, आपको किसी भी साइज़ में मिल सकती है। वो केमिस्ट्री थोड़ी बदल के की जा रही है, जिसमें कहा जाता है लिथियम फॉस्फेट बैटरी में एनर्जी उतनी नहीं होती, मतलब ताकत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन सेफ बहुत होता है, मतलब घर में रखने के लिए आपको टेंशन नहीं है। दूसरा, ये लंबा चलता है, लंबा रेस का घोड़ा, ये मतलब समझिए वो मैराथन करने वाला है, स्प्रिंटर नहीं है। तो लॉन्जिविटी सुधारना पड़ेगा, प्लस गवर्नमेंट को इसमें थोड़ा सा अपना हाथ डालना पड़ेगा। तो आप बोलोगे गवर्नमेंट को हाथ डालने का क्यों ज़रूरत है यार, मतलब गवर्नमेंट के साथ क्या फ़ायदा या नुकसान है? आप ये समझिए, कोई भी गवर्नमेंट तभी तक इलेक्शन में जीत सकती है जब तक बिजली दे रही है ढंग से। अगर सब लोग घर में इस तरह का लगाने लगे पावर बैंक जो कि स्मार्ट ग्रिड को चालू कर देगा, स्मार्ट ग्रिड पर आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, स्मार्ट ग्रिड बन जाता है, तो फायदा ये होता है कि जैसे पीक टाइम पावर भागा सबका, गवर्नमेंट सीधे सबको जिसका जैसे स्मार्ट मीटर से लगा हुआ था सीधे उसका घर में बिजली काट देगा और बैटरी से चलाएगा, और उस दरमियान पीक लोड को बैलेंस करेगा। जैसे मान लीजिए कोई नया बड़ा फैक्ट्री क्या, मतलब कोई भी फैक्ट्री अपना इंजन एक बार स्टार्ट करेगा तो बहुत बिजली खाएगा, उस दरमियान आराम से ठीक है भैया एक स्पाइक हो गया, स्पाइक हैंडल हो गया, नॉर्मलाइज हो गया, अब दोबारा इनका कनेक्ट कर लो। और ऐसा भी कर सकते हैं कि रात को भैया एकदम आराम से सब बैटरी अपने अपने घर में बैटरी चार्ज कर लो, दिन में मतलब पावर काट दिया जाएगा, मतलब पावर काट आपको नहीं पता चलेगा, आपको कोई लेना देना नहीं, आपको इससे कोई टेंशन नहीं है। आपके घर में आप स्विच चालू करोगे चलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट बैलेंस वैसे ही करके देगा कि मतलब उसको एवरेज पता चल जाएगी। बैटरी बैंक मान लो 4 घंटे का बैकअप देता है, तो एग्जैक्ट नहीं है कि वो 4 घंटे का काटेगी, वो 3.5 घंटे का काटेगी या 2 घंटे का काटेगी, मतलब भैया सेफ्टी साइड में रहना ज़्यादा बेटर आइडिया है। तो उस तरह से गवर्नमेंट आराम से ग्रिड को अच्छे से मैनेज कर सकती है, और इसका और फायदा भी हो जाएगा कि अगर पीक डिमांड हटा दे रहे तो पीक डिमांड पावर प्लांट्स नहीं चलाना पड़ेगा, जो कि मतलब समझिए एकदम ऐसे पावर प्लांट लगे हुए हैं खाली बैठे हुए हैं, जैसे पीक डिमांड क्रॉस कर जाता है, मतलब आपका जो कोल पावर प्लांट है या हाइड्रो डैम है उसके पावर डिमांड से ऊपर चला जाता है, तब उस टाइम एक पावर प्लांट को एक्स्ट्रा रखा जाता है कि वो उसी टाइम चालू हुआ जैसे वो पीक क्रॉस कर गया। तो वो प्रॉब्लम था कि वो पावर प्लांट तो पावर बहुत देता है लेकिन बहुत महंगा देता है, मतलब पर यूनिट आपका कोल पावर प्लांट दे रहा है 1 पैसे में, वो 10 रुपया में दे रहा है। तो वो पीक पावर प्लांट को लोग कम चलाना चाहते हैं, और वो बनाया जाता है कि गैस से चले, मतलब LPG से या पेट्रोल डीजल से, इस सब से चलाया जाता है। तो समझ सकते हैं कि वो उतना सस्ता है होता नहीं है। हाँ, उसका ये फायदा कि तुरंत चालू हो जाता है, तुरंत पावर दे देता है, पीक लोड को बैलेंस कर लेता है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इससे तिगड़म हो जाता है, तो वो सब कम करना पड़ेगा। दूसरा, इससे अगर आप विंड और सोलर खूब ला रहे हैं तो आप ऊर्जा को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे हर घर। अगर मान लीजिए जो आपका नॉर्मल साइज का घर है वो अगर एनर्जी अब्जॉर्ब कर ले रहा है अपने पास, तो आपको ग्रिड स्केल का पावर बैंक नहीं बनाना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं फायदा इसका गवर्नमेंट का है।
तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन टेस्ला पावर वॉल के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया कि फैंसी इन्वर्टर क्या था। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कर दीजिए, नहीं लगा है कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि आप कमेंट लिखिए और आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ #S2T in Hindi और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फ्री हैं तो घंटी बजा दीजिए। आपने मेरा वीडियो देखा ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।